Hi everyone, my name is Ashwara Singh and welcome back to Education. Education is coming up with its YouTube free classes series. आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन सेशंस को एंजॉय करना है. इतना कुछ सीखने मिलेगा जो शायद पिछले कुछ सालों के आपके प्रिपरेशन में आपको सीखने नहीं मिला होगा. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की गारंटी मैं देती हूँ. मेरा नाम ऐश्वर्या सिंह है. पिछले 6 साल से मैंने हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर किया है सिविल सर्विस की परीक्षा को क्रैक करने और मास्टर करने के लिए. बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव एट एजुकेशन वी बिल्ड नॉट ओनली स्ट्रांग ऑफिसर्स बट ऑल्सो स्ट्रांग इंडिविजुअल्स. सेशन बाय सेशन सब्जेक्ट वाइज अपलोड किए जाएंगे फॉर बिगिनर्स अप टू द लेवल ऑफ एडवांस लेवल कैंडिडेट्स जो 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं. बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड लैक ऑफ रिविजन आर द ओनली 2 रीजन्स दैट अ कैंडिडेट इज अनएबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. स्टार्टिंग विद द नोटिफिकेशन फॉर 2025, बिकॉज ये पूरा सीरीज 2025 को लेकर हम मन में चलेंगे और यूपीएससी 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी ऑलरेडी वेबसाइट पर है यूपीएससी की कि 22 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे और 11 फरवरी विल बी द लास्ट डे टू फिल योर फॉर्म्स. लेकिन इस जंग की तैयारी करने के लिए हम कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं. इफ यू आर अ बिगिनर डू नॉट स्किप दिस पार्ट. हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज 2025. आई एम नॉट सेइंग सिविल सर्विसेज ओनली. 2025 के लिए ऐसी कौन सी नई स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी जो इस साल नहीं हो पाया, या आप बिगिनर हैं और आप करना चाहते हैं अचीव तो कैसे कर पाएंगे. सबसे बेसिक इन चीजों को लोग या हमारे जो कैंडिडेट्स हैं बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि ये क्या है, ये एक ही चीज बार 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 हर कोई समझा रहा है, क्योंकि यहीं पे इस एग्जामिनेशन का कोर है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आखिर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आपको किन चीजों की, किन औजारों की जरूरत है. तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान की जरूरत है, एक प्रॉपर लिमिटेड क्रिस्प बुक लिस्ट की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है एंड डेडिकेशन की जरूरत है. इन 3 की एलिमेंट से आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं एंड ये हर किसी के पास होता है. बस कंसिस्टेंसी इज द की हियर. इफ यू हैव ऑल द 3 थिंग्स विद यू, योर सिलेबस, योर स्टडी प्लान, योर बुक लिस्ट, योर रिसोर्सेज एंड नंबर 3 योर अटमोस्ट डेडिकेशन कि अगले साल मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, मेरी कहानी एज अ ब्यूरोक्रैट मुझे लिखनी है, मुझे शुरू करनी है, तो इन 3 की एलिमेंट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करके, कंसिस्टेंटली अपने लाइफ का हिस्सा बनाकर आप 2025 में अपना सपना जरूर पूरा कर सकते हैं. सबसे पहले इफ यू आर अ बिगिनर, आप एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए. डाउनलोड द सिलेबस. I am putting the link in our description box. Telegram channel का link है हमारा, जहां पे आपको detailed syllabus मिलेगा. Not जो UPSC का इतना lengthy syllabus है, उसको हमने concise कर दिया है, crisp कर दिया है, और उसको आपको वहां पे easily you can download the PDF from there. 3 stages होते हैं. सबसे पहले preliminary examination stage होता है. Recently 16 जून को था 2024 का exam, जिसमें objective type या MCQ के questions आते हैं. पहला जो paper है वो general studies का paper होता है. पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दूसरा है उसे सीसैट बुलाते हैं, जिसमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, जो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है. 33% आपको स्कोर करना है, क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते हैं व्हेन आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा. तो इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर. मेंस का जो एग्जामिनेशन है एक डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, जिसमें आपको आंसर्स लिखने हैं. ठीक है, 4 GS के पेपर्स होते हैं, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, 1 SA का पेपर, 1 लैंग्वेज पेपर होता है. तो इस तरीके से अलग 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 पेपर्स है, जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स की समझ को इन डिटेल समझा जाएगा, देखा जाएगा कि हाउ इन डेप्थ यू आर इन्वॉल्व्ड विथ द अंडरस्टैंडिंग, हाउ इन डेप्थ यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड वॉट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ करंट प्रॉब्लम दैट इज बीन फेस्ड बाय द कंट्री. And the last and the most, again an important stage would be interview stage, जहां personality test की जाती है कि आप जो आज तक आपने जो अपना knowledge दर्शाया है लिखकर सामने as a person आप कैसे हैं, your integrity, your values, your behavior, your actions, the way you talk, everything will be judged, everything will be scored, and then comes the final list. So these are the 3 stages of this examination. It is tedious. अगर आप कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, आई विल से यू हैव टू प्रिपेयर इन एन इंटीग्रेटेड मैनर
तीनों की जो तैयारी है एक साथ करनी है। और मैं आगे अपकमिंग वीडियोस में समझाऊंगी कि आखिर 2024, 23, 22, 21 और 20 के जो पैटर्न रहे हैं यूपीएससी के, आखिर वो चाहते क्या है, क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और किन पैरामीटर्स पे सिलेक्शन हो रहा है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन डिटेल, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब एक जो मैंने आपको पहले समझाया, मेन स्टेज में आपको दो पेपर जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है बिकॉज ये डिफरेंशिएटर है आपका। सारे स्टूडेंट, सारे कैंडिडेट्स जीएस का जो पेपर है वो लिखने ही वाले हैं, बट किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज है, यानी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता उस सब्जेक्ट को, उसे टेस्ट करने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक आपको एक डिफरेंशिएटर दिया गया है जिसमें आप एज ला सकते हैं, बाकी कैंडिडेट से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो काफी सारे पॉपुलर ऑप्शंस उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड लिटरेचर, तो बहुत सारे ऐसे यू नो सब्जेक्ट्स हैं जिनका डिटेल्ड लिस्ट आपको सिलेबस के पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मूविंग ऑन, यू कैन सी एक छोटा सा स्नैपशॉट मैंने ऐड किया है जहां पे आप देख रहे हैं कि यूपीएससी का सिलेबस इन शॉर्ट अगर कंप्रेस करके देखा जाए तो कैसा दिखता है। तो जीएस वन में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स हैं, जीएस टू में पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर के टॉपिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस थ्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स है। फर्दर इन जीएस फोर इट इज कॉल्ड एथिक्स, यू नो एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का वो पेपर है जिसमें ह्यूमन वैल्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाता है, केस स्टडीज दिए जाते हैं जिसमें देखा जाता है कि अगर आप एक कलेक्टर हैं या आप एक आईपीएस अधिकारी हैं तो इस पर्टिकुलर चैलेंज को आप कैसे फेस करेंगे, कैसे डील करेंगे और किस तरह का सोल्यूशन, इनोवेटिव सोल्यूशन आप ला कर देंगे, वो टेस्ट किया जा रहा है। मूविंग ऑन, स्टडी मटीरियल सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस इज वॉट विल मेक इट और ब्रेक इट फॉर यू। अगर आपने एक गलत मटीरियल चुना है या कोई इतना इररेलेवेंट यू नो मटीरियल चुना है और उसको आप दो महीने टाइम देकर पढ़ रहे हैं, आपको बाद में लगा ओ माई गॉड दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपका टाइम भी वेस्ट हो गया, आपका पूरा का पूरा मोरल लो हो जाएगा, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इन द अपकमिंग वीडियो वेर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टडी प्लान इन डिटेल, आई विल बी गिविंग यू द लिस्ट, upgraded rather list for what, like of what resources you should be following, which books to read, which books you can skip, and keep it limited, keep it ekdam compressed. You do not need hundreds of material for this exam. 10 se 12 basic important materials hain, उसे 15-20 बार आप रिवाइज करो, दैट इज द की हियर। अगर आपको ये नहीं पता है तो स्टॉप मेकिंग दिस मिस्टेक। दिल्ली में जो हमारे मार्केट्स है, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, वहां पर जाकर इतने सारे मटेरियल स्टूडेंट्स खरीद के आते हैं, प्लीज डू नॉट मेक दैट मिस्टेक, आई विल आस्क यू टू अवॉइड इट प्लीज। फर्दर, स्टार्ट ऑब्वियसली विद योर एनसीईआरटीज, बट आई हैव अ डिफरेंट टेक हियर। आप पीवाईक्यूज भी डाउनलोड करके रखिए, आप 2020 का पेपर खोल लो प्रीलिम्स का और उसको आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कीजिए, रीड कीजिए कि मुझे समझ आ रहा है कि ये क्या पूछा जा रहा है, ये किस सब्जेक्ट का है, ट्राई टू गेस दैट। अगर आपने बिल्कुल भी यू नो इन अ लॉन्गेस्ट टाइम हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, ज्योग्राफी के बेसिक्स नहीं देखे हैं, तो आप ये कर सकते हैं इफ यू आर एकदम लाइक यू नो स्क्रैच लेवल, एकदम बिगिनर है आप, ठीक है। वरना आप एनसीईआरटी जो बहुत लिमिटेड जरूरत पड़ती है उसके साथ अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। एनसीईआरटी के जो डाउनलोडेबल लिंक्स है, यानी जो पीडीएफ्स है इंपॉर्टेंट मटेरियल और किताब के, वो अपकमिंग कुछ डेज में मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में है या आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं तो आप इन्हीं किताबों को, इन्हीं क्लासेस के, यानी होता है ना एनसीईआरटी क्लास 11th या 12th, ओल्ड या न्यू, ये सब मैं आपको समझा दूंगी, वही प्लीज परचेज कीजिएगा। डू नॉट waste your money or overspend on unnecessary resources. Moving on, study plan is extremely important, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर चुकी हूं, बता चुकी हूं कि मैं एक डिटेल्ड 1 year स्टडी प्लान डालने वाली हूं मेरे 2025 के वॉरियर्स के लिए जो यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने वाले हैं। आप एक छोटा सा स्नीक पीक यहां पे देख सकते हैं कि कैसे डे वाइज राइट मैंने डिवाइड किया है टॉपिक्स को, और ये जो पूरा जी शीट है इसे समझाने के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कुछ चेंजेस करने, इट इज टोटली अप टू यू। एक 45 day का स्टडी प्लान भी मैं अलग से डालना चाह रही हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि स्टडी प्लान शुड नॉट बी वेरी रिजिड।
यू हैव टू मेक इट फ्लेक्सिबल. अगर पॉलिटी बहुत डिफिकल्ट ऑन द फेस लग रहा है लेकिन पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि मैं ये अच्छे से कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो आप उसको ज्यादा समय मत दीजिए. बेसिक्स कवर हो गया, देन यू कैन स्विच टू लेट्स से ज्योग्राफी, जो आपको लग रहा था आसान है बट पढ़ने के बाद लग रहा है नहीं इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत है. तो फर्स्ट 45 डेज में इफ यू आर अ बिगिनर यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स हियर, व्हाट आर माय वीकनेसेस एंड कहां पे मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, राइट. एंड स्टार्ट विद योर बेसिक. मैं अपने अकेडमी में भी एक सिंपल रूल अपने फाउंडेशन बैचेस के स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ. नंबर वन इज उनका जो पहला साल होता है प्रिपरेशन का, फाउंडेशन इज यूजुअली 2 to 3 ईयर्स का, तो फर्स्ट ईयर जो होता है उनका, उनके प्रिपरेशन में वी ओनली फोकस ऑन एक्यूरेसी. उन्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के पीछे हमें भगाना होता है कि एक एक शब्द का मतलब समझो, एक एक स्टेटमेंट का मतलब समझो. बिटवीन द लाइन्स पढ़ने के लिए यू नो यू हैव टू मोटिवेट देम. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, नाउ यू डोंट हैव 2 to 3 years, let's say you are going to sit obviously for 2025, तो पहला half of your preparation should only be dedicated to conceptual clarity, that is accuracy. And जो second half of the preparation है उस पर speed पे काम किया जाएगा कि जो knowledge है मेरे पास already, मेरे concepts एकदम clear है, तो अब मुझे सिर्फ उनको revise करना है और वो speed थोड़ी बढ़ानी है, because इतना सारा content होगा तो उसे revise करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर time crunch है तो. And if you want to do your best, this is the best approach. सबसे पहले concepts की clarity लेना जरूरी है, जिसके लिए हमारे sessions will come handy to you. You just have to come and visit the channel, go through the sessions patiently, calmly so, and sit back and note when you are looking at the videos, because bahut engaging videos hone wale hai, bahut hi engaging sessions hone wale hai. Yes, aapko lagega ki ghar pe baith ke aap ek actual virtual class attend kar rahe hai, bilkul waisa atmosphere banane ki koshish ki gayi hai. And koi bhi sawal ho aapke, you can reach out in the comment section or our telegram channel. One more thing, aapke protsahan se agar अच्छी रीच होती है, ज्यादा हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उन्हें अच्छा लगता है, उनकी फीडबैक यू नो हमें अच्छा मिलता है, तो आई विल ऑल्सो बी कंडक्टिंग लाइव यूट्यूब क्लासेस फॉर यू इन द कमिंग फ्यूचर. सो सपोर्ट अस एंड सी, लाइक कम एंड विजिट द वीडियोस एंड सी हाउ यू लाइक इट, ठीक है. एंड द सेकेंड हाफ एज आई सेड इज स्पीड पे डेडिकेट किया जाएगा कि भाई थोड़ा फास्टर पेस पे रिविजन हो. Now, a very important part of your preparation is current affairs. I'm not going to tell you Hindu padho ya Indian Express padho ya koi aur magazine aap padho. I would just suggest ki koi bhi ek achha compressed, concised material aap uthaiye aur apne current affair ki preparation kariye. Agar regularly newspaper padhne ki aadat ban jaye to isse badi achievement nahi ho sakti aapke liye, kyunki ek bureaucrat apni aam zindagi mein at least 2 newspapers padhte, ek national level aur ek apne district ka koi local jo newspaper hota hai wo padhte hi hai, because awareness is ki if you don't know there is a problem, aap kya solve karenge ya kis kaise, how can you think you can solve a problem when you're not aware about that. And also current affairs are extremely interesting, they add on to the knowledge that you already have. So that is how UPSC is also testing you, because prelims 2024 ke bhi question aap dekhiye, uske pehle ke questions aap dekhiye, ek bahut acha fusion, you know they are asking questions jisme static aur current affairs ko blend karke ek sawal puche ja rahe hain, because they want to know your static knowledge on the subject and they also want to know ki if you are aware ki aisa kuch ho raha hai duniya mein. So awareness is key. And aap chahe, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे वीकली आई मीन रेगुलरली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो कोई एक मैगजीन जरूर से यू नो यू शुड यूज, बाई एवरी सिंगल डे यू शुड रीड अ न्यूज़पेपर. बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन प्लीज डू नॉट ट्राई टू स्किप इट, जस्ट इन्वेस्ट इन अ गुड मैगजीन. ऑनलाइन भी मिल जाता है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, इतने सारे सोर्सेज हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे वीडियोज भी डाल रहे हैं, लिख के यू नो स्टडी मटीरियल डाल रहे हैं करंट अफेयर पे. आपको जो कंफर्टेबल लगे प्लीज डू डाउनलोड दैट एंड स्टडी एंड रिवाइज इट. आपने एक मैगजीन ले ली, उसमें पूरा महीने का करंट अफेयर कवर हो गया. आई वुड सजेस्ट यू एंड आई वुड आस्क यू कि आप उस मैगजीन के शॉर्ट नोट्स बनाइए. अब वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनका न्यूज को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग है जो लिख रहे हैं या बना रहे हैं वो मटेरियल, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट. आपने प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस किए हुए हैं, इसीलिए पीवाईक्यू का महत्व और इंपॉर्टेंस मैं अपकमिंग यू नो वीडियोस में आपको समझाने वाली हूँ पीरियोडिकली, कि भाई बार बार मैं आपको पीवाईक्यूज को रेफर करने क्यों बताऊंगी. मान लीजिए आपने पीवाईक्यू देखा और देखा अरे इस तरीके से या इस टॉपिक से सवाल ज्यादा आते हैं और ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा पूछा जा रहा है, तो उन मैगजीन से उन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना इज योर
duty, you have to do it. Do not rely and be dependent on all these ready-made materials. या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ के अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, अगर टाइम क्रंच है तो आप मैगजीन का यूज कीजिए, लेकिन अपने नोट्स बनाइए. दोज विल बी योर सेवियर, दोज नोट्स विल हेल्प यू. अगर नोट मेकिंग को लेकर कोई डिफिकल्टी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. रीच आउट ऑन टेलीग्राम चैनल और आवर व्हाट्सएप, वेयरएवर यू नो यू कैन एक्सेस अस एंड आस्क अस. मुझसे पूछिए अपने सवाल कि मैम नोट्स कैसे बनाओ, एंड आई विल गिव यू अ वेरी गुड यू नो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स. नो शॉर्टकट्स बट टेक्निक्स, so that you can build good notes which are very very helpful and come handy before your prelims. Practice answer writing. Now isko to lekar bahut zyada debate ho hi raha hai, kab se shuru karna chahiye, zaruri hai kya sirf prelims clear hone ke baad mocks de do to kafi nahi hai kya, bahut sare aise sawal hai. Agar aap ek beginner hain, so answer writing should start ideally after completing your NCRT ke jo basic material hai and a little bit of your advanced material. Let's say for polity, अगर आपने उसकी NCRT पढ़ी है 11th और 12th की, या 11th grade की जो है NCRT आपने cover कर ली है. NCRT में ही अगर आप पीछे देखेंगे तो chapters के नीचे की तरफ last जो page होता है chapter का, वहीं पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं. Start with that basic questions ना. And अगर नहीं आप advanced level के candidate हैं जिन्होंने एक या दो attempt दिए हुए हैं already examination में, जो aware है, जो mains का स्टेज भी फेस कर चुके हैं, तो फॉर देम इट विल बी ग्रेट टू गो टू PYQs अगेन. गो टू 2020 का पेपर, टेक वन यू नो क्वेश्चन आउट ऑफ इट उस टॉपिक का जिस पे आपने पढ़ाई की है. आपने मान लीजिए पॉलिटी का एक चैप्टर पढ़ा है और डीडी बासु से भी उसका जो मटेरियल एडवांस मटेरियल उससे भी उस टॉपिक को समझ लिया है, देन यू गो एंड सिट विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड ट्राई टू राइट इट. I will tell you, after completing your basics, if you start doing this on a regular basis, once in a while writing answers. Initially, I know irregularities hoti hain. Consistently, koi nahi kar paata hai ki roz ek answer koi likh paaye. Lekin you are figuring yourself out in that process. Ki main aise answer likh rahi hu, to mujhe achha kyun nahi lag raha? Kyun nahi lag raha ki I am addressing the question? Aap kahin se ki bhi answer ki bhi download kar sakte hai us particular year ke paper ka aur dekh sakte hai. Arey इस टॉपर ने ऐसे अप्रोच किया था या इस टीचर ने ऐसे समझाया था, तो यू आर इनिशियली फिगरिंग दिस आउट. अब ये प्रीलिम्स के बाद इतना समय या इतनी लग्जरी नहीं होती है कि आप बैठ के इतने बेसिक से काम कर पाए अपने आंसर राइटिंग को. यू नो आई हैव मेट स्टूडेंट्स जिनके पेपर्स मैंने चेक किए, मेरे जो अपने करंट स्टूडेंट्स है, पास्ट में जितने मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, उनका आंसर राइटिंग में दो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम या इशू होता है. पहला होता है कि What is the question asking? वही समझ नहीं आ रहा. एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट या बहुत ही डिफिकल्टी जो वो फेस करते हैं वो ये होता है कि मैम आई डोंट नो हाउ टू कोहरेंटली राइट एन आंसर. यानी मुझे समझ नहीं आता इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कितना लिखना है, जो आंसर का मेन जो बॉडी है स्ट्रक्चर उसमें क्या जाना चाहिए, और किसी किसी का कंक्लूजन इज अ वीक पॉइंट कि मैम आई डोंट नो हाउ टू कंक्लूड द आंसर वेल. सो इन सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इनिशियल स्टेजेस से ही काम करना विल बी अ वाइजर ऑप्शन, रादर देन गोइंग फॉर के प्रीलिम्स के बाद में मॉक टेस्ट में फिगर आउट कर लूंगी या कर लूंगा. आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड अप्रोच. सो स्टार्ट आफ्टर अ मंथ और टू ऑफ योर बेसिक जो स्ट्रैटेजी जो स्टडी प्लान में बताऊंगी उसमें मैं बताती जाऊंगी कहां पे आंसर राइटिंग आप इंक्लूड कर सकते हैं और शुरू करना चाहिए. आइडियली आपको शुरू कर देना चाहिए, ठीक है. सो वेट फॉर दैट वीडियो. एंड आंसर राइटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यहाँ पे भी जैसे लिखा हुआ है कि how to structure your answers, how to express your ideas coherently, right, and maintaining a logical flow are these are the parameters jisse aapka ultimate rank decide hone wala hai. Kyunki mains ke marks sabse zyada important hai, kisi bhi stage ko aap compare kar lo, mains ke marks are the only, that is the only stage jisse aapka rank, aapka selection you know confirm hota hai aur aapko apna service of your choice मिलता है. So that is the reason all these parameters are required and are tested by UPSC. Moving on, test series में many people have asked, ma'am लेना जरूरी है या मैं past year papers कर लूँ या कहीं से you know online material download कर लूँ. जरूरी है test लेना because एक realistic
एनवायरमेंट आप यू नो एक रिहर्सल की तरह करके जाते हो कि इतना प्रेशर होगा, यू नो एक रियलिस्टिक एक एक्सपीरियंस होता है. ऐसा नहीं लगता ओ माय गॉड ओएमआर में पहली बार देख रहा हूं और मुझे नहीं पता इसको कैसे यू नो हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर, हाउ टू सर्कल इट वेल. ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना जो टेस्ट सीरीज के साथ आती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हैं टेस्ट सीरीज के साथ, तो ये जरूरी है. प्लीज डू नॉट स्किप इट. बट इसका एक सही समय होता है, आपको कब शुरू करना चाहिए, कब एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, आपको कब टेस्ट सीरीज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने प्रिपरेशन में. आई विल टॉक अबाउट इट इन द स्टडी प्लान. बट इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. टेस्ट विल डिटरमाइन इफ यू आर गोइंग टू ब्लीड इन द वॉर और कम आउट विक्टोरियस. आई एम कॉलिंग इट अ वॉर बिकॉज द प्रेशर इज दैट मच. लेट्स बी रियलिस्टिक, इतना ही प्रेशर है. नॉट इवन थिंक अबाउट स्किपिंग दिस स्टेप. ओके, मूविंग ऑन रिविजन. माई गॉड, लाइक रिविजन को लेकर इतने सारे कंफ्यूजन, इतना सारा सवाल आता है कि कभी कभी लगता है कि पूरा वीडियो कम पड़ जाएगा टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिविजन. सी, इट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. आपने एक बार इन्फॉर्मेशन ले लिया, ज्ञान ले लिया, कॉन्टेंट समझ लिया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, बट हमारा ब्रेन इज ट्रेंड यू नो इन अ सर्टेन वे कि जो चीज आप रिपीटेडली पढ़ते जाओगे वो उतने ही स्ट्रांगली बैठेगा आपके दिमाग में. राइट, दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी. राइट, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू रिवाइज. आप किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, आप कुछ समय प्रैक्टिस छोड़ दोगे और दोबारा खेल ले जाओगे, नो मैटर यू आर द बेस्ट प्लेयर देयर, स्टिल यू विल नॉट परफॉर्म वेल. व्हाई? प्रैक्टिस छूट गई है, आपको आदत नहीं रही है. रिविजन बिल्कुल वैसा ही है. मैंने काफी लंबे समय से हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं याद आने वाला है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल याद नहीं आएगा, कहानी में भी थोड़ी बहुत याद रह जाए, यू नो. सो कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट रिविजन इज एब्सोल्युटली की हियर. एंड अब एजुकेशन का जो फ्री सेशन प्लान है वो कैसा दिखने वाला है, तो बायलिंगुअल सेशंस होंगे, विल बी कंडक्टिंग इट in English plus Hindi ka mix, and captions will be, you know, trying to provide you with the captions. जिसको English चाहिए वो English language का चुनाव कर सकते हैं, और जिन्हें Hindi में comfortable है पढ़ना वो Hindi language का चुनाव कर सकते हैं. और subject wise coverage होगा syllabus के एक एक chapter का. Static और advanced level दोनों को cover किया जाएगा. Current affair weekly एक video आ जाएगा जिसमें सबसे important न्यूज जो जरूरी है फॉर यू टू नो उसे मैं अपलोड करूंगी इन अ वेरी कंसाइज्ड मैनर. जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उन सबका एक स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है. PYQs के बारे में हम पीरियोडिकली बात करते रहेंगे, हर कुछ हफ्ते में, हर कुछ यू नो ड्यूरेशन पे, गैप पे, बिकॉज आई नीड यू टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ PYQs. एंड वो जब हम सेशंस में बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तब आप अपने आप समझेंगे कि PYQs आर वेरी क्रूशियल. टॉकिंग अबाउट, एज आई सेड, PDF या कोई भी स्टडी मटीरियल दैट वी आर लुकिंग एट, वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. एंड न्यूज पेपर जो रेगुलरली पढ़ना चाहिए, मैं तो उसी के समर्थन में हूँ. सो इफ यू आर समबडी हु वुड ऑप्ट टू रीड न्यूज पेपर ऑन अ रेगुलर बेसिस, एवरी सिंगल डे बेसिस, तो ऑफकोर्स होता है क्या पढ़ू अब इसमें, इतना बड़ा पेपर है इसमें पढ़ना क्या है. इफ यू आर अ बिगनर तो और भी क्लू नहीं होता है. तो दो इम्पॉर्टेंट, या आई वुड से दो तरीके हैं टू आंसर दिस क्वेश्चन. नंबर वन इज, इधर आप सिलेबस लेके बैठो अपना और देखो, अच्छा ये टॉपिक सिलेबस के किस हिस्से में फिट होता है, किस टॉपिक से बिलोंग करता है. अगर उतना टाइम नहीं लगाना है तो सीधा टेलीग्राम चैनल पे आइए एजुकेशन के, और वहां पे जाकर आपको रेगुलर बेसिस पे सुबह 10 बजे के आसपास आपको मिल जाएगा टॉपिक्स दैट यू नीड टू रीड टॉपिक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर टुडे. And you will get those topics. सीधा उन topics पे जाइए, paper पे पढ़िए, अपने short notes बनाइए, and you're done. Barely initially it will take you maybe 1 hour 30 minutes if you're a beginner. If you're already done this like 1-2 साल से आप कर ही रहे, it will take you barely 40 to 45 minutes. उससे कम का समय नहीं लगना चाहिए. हाँ, जिस दिन topic कम हो गया तो कम समय लगेगा. So this is how we will help you in filtering out those topics which are a must for your preparation. I will see you in the next video, and I hope this particular session, this particular understanding of what are we trying to do with our initiative has given you a lot of clarity. Upcoming session bahut important hai, 1 year study plan and what to read, and the entire session will be based on the analysis of the last few years of pattern of UPSC, especially the recent one jo hai prelims 2024 ka pattern.
Thank you so much for watching the video. I will await your feedbacks, and let's build a strong UPSC CSE preparation community which is targeting to clear Civil Services 2025. I'll see you in the next video.